वेल गाइस, तो म्यूटेंट्स का इंतजार तो एमसीयू में आने के लिए बहुत सारे फैंस कर रहे हैं और इसके हिंट्स, इसके ईस्टर एग्स आने वाले मूवीज़ में आ चुकी मूवीज़ में हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिसका एक जीता ज्यादा एग्जाम्पल नेमर का कैरेक्टर है, जिन्होंने खुद अपने मुँह से को बोला कि ही हैज़ अ म्यूटेशन इन हिज जीन, जो उसकी उसको अपने मदर से मिली क्योंकि उन्होंने वो एक्वेटिक हार्टशेप हो यहाँ पे कंज्यूम किया। लेकिन अब नेमर का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंपॉर्टेंट इसलिए और मेरे वर्ड्स को मैं यहाँ पे डेफिनेटली बैक करूँगा अपने इन वर्ड से, दैट ही इज द बिगेस्ट मिसिंग पीस इन द पजल फॉर द एमसीयू टाइमलाइन, क्योंकि वही यहां पे एक्समैन की पूरी जनरेशन को, पूरी की पूरी रेस को यहां पे चालू करने के लिए और वो म्यूटेंट वॉरफियर को यहां पे चालू करने के लिए एमसीयू में रेस्पॉन्सिबल होंगे। क्योंकि यार कमाला खान ने भले ही अभी यहां पे अपने जीन्स में, यानी क्योंकि ब्रूनो उनके फ्रेंड ने उनको बताया था कि तुम्हारे डीएनए को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ये पता चला, क्योंकि तुम्हारी ग्रैंड मदर जो है आयशा थी, जो कि लाइट डायमेंशन से जिन थी, तो तुम हाइब्रिड होने की वजह से तुम्हारे में भी वो म्यूटेशन लेवल जो है यहाँ पे थी, जो कि डॉर्मेंट थी और बैंगल के होने से वो एक्टिवेट हो गई। यानी कि उनका ओरिजिन एज अ म्यूटेंट डिफरेंट है और नेमर का ओरिजिन एज अ म्यूटेंट कंप्लीटली डिफरेंट है। और जैसे हमने एक्समैन मूवीज में नहीं देखा था कि किस तरीके से मैग्नीटो ने आधे म्यूटेंट्स को एक साइड पे कर रखा था, अपनी रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो यहाँ पे जाने जाते थे और यहाँ पे चार्ल्स एक्सेवियर एक ऐसा ग्रुप चला रहे थे जो म्यूटेंट्स को यहाँ पे अपनी पावर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखा रहे थे, तो वैसा ही कुछ हमें आने वाले म्यूटेंट सागा में देखने को मिलेगा नेमोर के साथ और कमाला खान जैसे म्यूटेंट वाले कैरेक्टर्स के साथ। क्योंकि यार नेमोर का कैरेक्टर का बेस ही वकांडा फॉरएवर में ये सेटअप किया गया कि किस तरीके से वो अपने लोगों को यहां पे जो है बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, इवन वकांडा को ही उसके लिए डिस्ट्रॉय क्यों ना करना पड़े, जो कि उनके एंसेस्टर्स या फिर नेबर्स भी कहे जा सकते हैं, उनको तक वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, जो कि यहां पे नेमोर के इस डायलॉग से एविडेंट हो जाता है कि वकांडा, वाइब्रेनियम और टालोकान की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है फ्यूचर के एमसीयू प्रोजेक्ट्स में। जब उन्होंने नमोरा से मूवी के एंड में ये कहा कि करने दो अभी जो करना है यहां पे वकांडंस को हमारे साथ, उनको हमारे साथ अलायंस बना के रखना है, रखने दो, लेकिन जब यहां पे फॉरेन इन्वेडर्स पॉसिबली CIA और वैलेंटिना डिफोंटे जो कि CIA की डायरेक्टर है, जब यहां पे उन पे अटैक करेंगे, उनके रिसोर्सेज को हथियाने की कोशिश करेंगे और तब जब वो हमारे सामने मदद मांगने के लिए आएंगे, तब हम उनको अपनी इंपॉर्टेंस का और अपनी डोमिनेंस का एहसास दिलाएंगे। लेकिन ये तो वकांडंस की स्टोरी को आगे बढ़ाएगा ना, और यहाँ पे नेमर के कन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाएगा, इसका म्यूटेंट से क्या लेना देना है? तो देखो यार, म्यूटेंट्स के बारे में और यहाँ पे टालोकनीज के बारे में अभी किसी को भी जो है मेजर आइडिया, लार्ज आइडिया एमसीयू की टाइमलाइन में नहीं है। और पॉसिबली यहाँ पे यही चीज शुरी ने भी प्रॉमिस करी थी नेमर को कि वो टालोकान की आइडेंटिटी को, टालोकान की हिस्ट्री को, वाइब्रेनियम वहाँ पे एग्जिस्ट भी करता है, ये किसी को वो नहीं बताएगी। लेकिन एक लार्ज पोर्शन ऑफ स्टोरी है जो कि टालोकान के बारे में हम नहीं जानते, किस कैसे यहाँ पे कोस्ट पे, समंदर के कोस्ट पे रह रहे लोगों को यहाँ पे फेदर सर्पेंट गॉड के बारे में आइडिया था। इसका एक सबसे बड़ा यहाँ पे फैक्ट ये हो सकता है कि टालोकनीज ने अंडर वाटर ही अपनी सिविलाइजेशन को अच्छा बनाने की या फिर जो है एक्सपेंड करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने सरफेस लैंड पे भी कुछ अपने हाफ ब्रीड्स बनाए, जहाँ पे उन्होंने ह्यूमंस के साथ कॉन्टैक्ट में आकर अपनी रेस को कंटिन्यू करने के लिए वो हाफ ब्रीड प्रोडक्शन जो है ह्यूमंस की बढ़ाई, जिनमें यहाँ पे उन टालोकनीज के यहाँ पे जीन्स हो सकते हैं। यानी वो साइड ऑफ म्यूटेंट टोटली बायस्ड होंगे यहाँ पे टालोकान से, नेमर की उस रिग्रेसिवली अपनी जनरेशन को, अपनी एग्जिस्टेंस के आइडिया को यहाँ पे रिग्रेसिवली प्रोटेक्ट करने को लेके, जो कि यहाँ पे सिविल वॉर टाइप ऑफ सिचुएशन जो है एमसीयू में बना सकता है, जिस तरीके से मैं आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका या फिर एक्समैन में हमें चार्ल्स एक्सेवियर की टीम वर्सेस मैग्नीटो की टीम का फेस ऑफ मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल एक्समैन मूवीज में देखने को मिला था, वैसा ही फेस ऑफ नेमर के म्यूटेंट्स का और यहाँ पे कमाला खान साइड ऑफ म्यूटेंट्स का, जिनकी म्यूटेंसी का ओरिजिन या फिर जिनकी म्यूटेशन का ओरिजिन कंप्लीटली हमें डिफरेंट बताया जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे वकांडा के वाइब्रेनियम के अलावा यहाँ पे और भी ज्यादा वाइब्रेनियम मीटियोराइट्स गिरे थे अर्थ पे, वो और वो डिफरेंट जगह पे गिरे थे यहाँ पे टालोकान के अलावा, तो हो सकता है कि उस वाइब्रेनियम के ओरिजिन की वजह से जो है और ज्यादा म्यूटेंट्स जो है डिफरेंट मीटियोराइट्स की वजह से यहाँ पे एग्जिस्ट करते हो एमसीयू में। या ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से कमाला खान की जीन्स में जो लाइट डायमेंशन से बिलोंग करती है, डिफरेंट डायमेंशन से आए हुए यहाँ पे स्पीशीज ने यहाँ पे ब्रीड करा हो और पे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें डिफरेंट
काइंड ऑफ डिफरेंट ऑरिजिन ऑफ म्यूटेंट जो है देखने को मिलेगा, यानी कि जो सेम ऑरिजिन होता था ना हर एक म्यूटेंट का, हर एक एक्समैन मूवी में हर एक म्यूटेंट का सेम ही था कि यार इनको अपनी पावर्स मिली है तो मिली है क्योंकि इनके जीन में म्यूटेशन है। लेकिन वो म्यूटेशन किस वजह से है उसका रीजन हमें एमसीयू की हर मूवी में हर म्यूटेंट के लिए डिफरेंट देखने को मिलेगा, जो कि आने वाले म्यूटेंट सागा को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग बनाने वाला है कुछ फैंस के लिए। इसमें नेमर के सबसे बड़े विलन और आर्च एनिमी जो है एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इन म्यूटेंट्स को क्रिएट करने में, इनको एक डिफरेंट ऑरिजिन देने में, और वो और कहीं नहीं डॉक्टर लिमिल डॉर्कस ही है जो कि एक मरीन बायोलॉजिस्ट भी थे कॉमिक में और जिन्होंने नेमोर के सबसे बड़े विलन्स क्रैंक की अगर मैं बात करूं, टाइगर शार्क की, ऑर्का की अगर मैं बात करूं, तो इन जैसे विलन्स को उन्होंने यहां पे बनाया था, इन पे एक्सपेरिमेंटेशन, ये एक्चुअली में ह्यूमंस थे जिनके ऊपर इन्होंने यहां पे इन्फ्यूज किए थे या फिर इनकी जीन की जो म्यूटेशन थी ना वो यहां पे एनिमल या फिर जो है मरीन बायोलॉजी के साथ की थी, जिसके बाद ये एक जो है म्यूटेशन के तौर पे यहां पे नेमोर के अगेंस्ट खड़े किए गए थे। नेमोर के अलावा सेकंड इन पावर टालोकान में कौन है ये हमें पता नहीं है, लेकिन कॉमिक्स में जैसे कि हमें यहां पे भी देखा कि एक नमोरा एक एडवाइजर के तौर पे एक बहुत ही ज्यादा क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ एलियस है यहां पे नेमोर के साथ, जो कि नेमोर को टाइम टू टाइम एडवाइस करती है, जो नेमोर के बारे में केयर करती है। लेकिन नमोरा के अलावा और भी कई सारे ऐसे पावरफुल लोग थे जिनको इवन बैनिश किया गया था, जिनमें से एक यहां पे अटूमा भी है जो कि एक पावरफुल जनरल थे अटलांटिस के। लेकिन कॉमिक्स में अगर हम कॉमिक्स से बाहर आकर एमसीयू में बात करें तो टालोकान में क्या अटूमा का ऑरिजिन दिखाया गया है, क्योंकि यहां पे अटलांटिस के अकॉर्डिंग यहां पे उनको बैनिश कर दिया गया था जब उन्होंने यहां पे यूजर्प करने की कोशिश की थी यहां पे नेमोर के थ्रोन को। लेकिन अब यहां पे इंटरेस्टिंग देखना होगा जो बाकी कजन्स है, बायरन है, लिरिन है, किस तरीके से उनको यहां पे इंट्रोड्यूस करती है और किस तरीके से टालोकान की यहां पे हिस्ट्री को और भी ज्यादा हमें जो है हमारे सामने लाया जाएगा, क्योंकि वकांडा के बारे में जिस तरीके से 2018 से पहले काफी सारे फैंस को पता नहीं था, बल्कि 2018 के बाद ही वकांडा इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ यहां पे पॉप कल्चर में, वैसे ही यहां पे टालोकान के साथ आने वाले सालों में होने वाला है, बल्कि म्यूटेंट सागा में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है टालोकान के ये सारे लोग टालोकानिल्स जो है प्ले करने वाले हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर हमें पता चलता वकांडा फॉर एवर में कि ये सारी चीज़ें करने के लिए वकांडा के साथ जो है या फिर सरफेस वर्ल्ड को टेक ओवर करने का जो प्लान था ना वो एक बारी में डॉक्टर डूम का था और वही यहाँ पे बिहाइंड द सीन्स यहाँ पे मैनिपुलेट करे, जो कि हमें नहीं देखने को मिला। लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ और आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी में अगर डॉक्टर डूम अपियर होते हैं, और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि नमोर वहाँ पे भी फैंटास्टिक फोर में हमें आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कॉमिक्स में भी उनका क्लोज रिलेशन यहाँ पे सू स्टॉर्म यानी कि फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स के साथ रहा था और यहाँ पे रीड रिचर्ड्स को छोड़ के सू स्टॉर्म उनके साथ चली गई थी। तो अगर वहां पे वो उनके अगेंस्ट में यहां पे नमोर अपीयर होते हैं और वहां पे डॉक्टर डूम भी हमें दिखाई देते हैं तो पॉसिबली जो है इनका फेस ऑफ भी हमें दिखाया जा सकता है, क्योंकि ये भी आपस में जो है कॉमिक में बहुत ज्यादा बड़े एनिमीज एक दूसरे के रहे। लेकिन साथ ही में ये भी हो सकता है कि म्यूटेंट की जीन्स को या फिर म्यूटेंट्स को आपस में लड़वाने का या फिर एवेंजर्स को यहां पे म्यूटेंट से लड़वाने के पीछे एक सबसे बड़ा हाथ जो है ना वो यहां पे रिवील करा जाए कि डॉक्टर डूम का हो सकता है, जो कि अल्टीमेटली यहां पे नमोर को भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, क्योंकि अगर किसी को सबसे ज्यादा खतरा किसी से है यहां पे डॉक्टर डूम को तो यहां पे वकांडन्स जिनके पास वाइब्रेनियम है और वाइब्रेनियम का दूसरा सोर्स यहां पे टालोकान भी है जो नमोर के कंट्रोल में आता है, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ताकि उनको कोई टक्कर ना दे पाए यहां पे अल्टीमेट पावर हासिल करने में या फिर अर्थ के ऊपर वो डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने में, तो वो जो है डॉक्टर डूम का एक अल्टीमेटिव मोटिव बन सकता है यहां पे नमोर के अगेंस्ट जाने का। अगर आप ऐसे भी इसे पुट फॉरवर्ड कर सकते हो कि वही रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं अल्टीमेट जो म्यूटेंट सागा को किक ऑफ करने में और इनके बीच में आपस में सिविल वॉर करवाने के लिए, यानी कि डॉक्टर डूम द बिगेस्ट द बैडेस्ट विलन ऑफ ऑल टाइम। लेकिन गाइस अब आपके क्या थॉट्स हैं यहाँ पे नेमोर के लेके कि क्या कुछ डिफरेंट जो है एमसीयू को करना चाहिए, सिंस उन्होंने यहाँ पे नमोर के ओरिजिन को पूरी तरीके से एमसीयू में चेंज कर दिया, अटलांटिस को यहाँ पे करके जो है उन्होंने टालोकान बना दिया है, और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है नेमोर के फ्यूचर के रिगार्डिंग, आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो, मैं हूँ अमान और आप देख रहे थे सुपर मार्वल्स, साइनिंग ऑफ एंड बी मार्वल्स।